यूपी बीजेपी के नए संगठन के ऐलान से पहले बड़ी हलचल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के दौरों को लेकर चर्चा हुई है। यूपी बीजेपी संगठन को लेकर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, यूपी बीजेपी के नए संगठन ऐलान से बड़ी हलचल। जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। संसद भवन के अंदर हुई दोनों की मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लखनऊ से शासन ने 12 बड़े अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 12 आईपीएस के नाम केंद्र को भेजे। डीजी से एसपी स्तर के अफसरों के नाम केंद्र को भेजे। सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए भेजे गए आईपीएस के नाम अफसरों की रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। बोत्रे रोहन प्रमोद का नाम भी शामिल, मीनाक्षी कात्यान का नाम भी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, लखनऊ से शासन ने 12 आईपीएस के नाम केंद्र को भेजे। एडीजी से एसपी स्तर के अफसरों के नाम केंद्र को भेजे गए। सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए भेजे गए आईपीएस के नाम अफसरों की रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। बोत्रे रोहन पी का नाम भी शामिल, मीनाक्षी कात्यान का नाम भी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ से शासन ने 12 आईपीएस के नाम केंद्र को भेजे। एडीजी से एसपी स्तर के अफसरों के नाम केंद्र को भेजे गए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेराव किया। आनन फानन में पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाया। आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी कार्यालय का घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का घेराव हुआ है। आनन फानन में पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाया। ये बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे थे। आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किस तरीके से हटाया गया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय का घेराव, लखनऊ से बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेराव किया। आनन फानन में पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाया। आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ से बीजेपी कार्यालय का घेराव।